Parliamo. Sì, sir. नमस्कार, मीर बसु अपने छोटे भतीजे मीर कालू खां के साथ, क्योंकि एक वक्त तौर पर एक समय की पाबंदी से, एक महामारी के दिक्कत से पूरे ग्रुप के साथ नहीं आ पा रहा हूँ। इसीलिए अपने भतीजा को कुछ जैसे टाइम मिलता है वैसे रियाज कराता रहता हूँ, तो उसी के साथ आज आपके रूबरू हूँ। और जैसा भी मेरे पास है जखीरा, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ख्वाजा गुलाम फरीद का, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, मीरा, कबीर जी, मतलब जैसा भी जो भी सूफी संतों ने गाया है। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ बंगला नाटक .com और म्यूजिक लाइफ का, कि जिन्होंने इस कदर ग्रामीण कलाकारों को अपने रूबरू एक पूरी दुनिया में दिखाने का मौका दिया और सब कलाकारों को मौका दिया। तो हम तहे दिल से बंगला नाटक .com के और इस म्यूजिक लाइफ के शुक्रगुजार हैं कि वो इस कदर हमें, आज भी हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम एक घर में बैठे हैं या कहीं प्रोग्राम दे रहे हैं। वैसे ही लग रहा है जैसे कहीं प्रोग्राम में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता, हमारे मित्र, हमारे सज्जन वाकई इसको देखेंगे, लाइव आएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देंगे, लाइक भी करेंगे इस पेज को, तो हमें भी खुशी होगी कि हमारी मेहनत का या हमारे इस कला के प्रिय हमारे दोस्त लोग जो हैं हमें चाहने वाले हैं। तो हम सब मिलके इस महामारी, जो कोरोना वायरस जो अपने देश में एक जुल्म सा छा रहा है, तो सब लोग मिलके उसके लिए दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये दुनिया से हटे, मालिक के परवरदिगार इसको, इसका नामो निशान मिटाए और हम सबको ऐश अमन से रहने की तौफीक दे और हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत प्यार सिखाने की अल्लाह हमें तौफीक दे। और मैं सबसे ज़्यादा बंगला नाटक .com के और पूरे ग्रुप को और म्यूजिक म्यूजिक ग्रुप को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये लाइव जो प्रोग्राम चलाए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं शाह हुसैन का एक कलाम आपको सुनाऊंगा, जिसके लिए मैं पूरे देश के लिए इस महामारी के चलते एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह से दुआ की है, मालिक से प्रार्थना है कि रब्बा साढ़े हाल दा महरम तू, वे रब्बा साढ़े हाल दा महरम तू। मतलब हम तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मालिक अब इस अजाब, इस कोरोना रोग, इस संकट से हमें तू निकालने वाला है। तो एक सूफी की वसीला लेके मैं सबसे पहले शाह हुसैन का एक कलाम आपके सामने पेश करता हूँ और मेरा जी चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे कलाम इसमें सुनाऊँगा ताकि आप सब दोस्त खुश हो रहें और मैं पूरे देश को खुशी से ऐश अमन के साथ रहने की इच्छा करता हूँ, दिल से चाहत करता हूँ, अल्लाह मालिक से दुआ करता हूँ, अपने कलामों के जरिए दुआ करता हूँ कि हमारा देश खुशियों से नवाजा रहे, हर इंसान के सुख शांति रहे, सबके घरों में खैर बरकत रहे और हम सबको वापस ऐसे सूफी संतों के कलाम सुनाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, अपने देश में घूमने के लिए, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बताने के लिए हमें मौका मिले। तो मैं शुक्रिया सभी दोस्तों का तहे दिल से, मीर अपने और अपने भतीजे कालू, मीर कालू जी के साथ तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपके सामने, आपके दरमियान हूँ, आपका छोटा भाई मीर बसु, सूफी सिंगर, राजस्थान बीकानेर पुगल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। Oh,
अंदर तू
छोड़ के जाना, आखिर दुनिया छोड़ के जाना, मेरे तो दिखे हाल ना आपका कीमती समय। आपकी एक लाइव हौसला अफजा ही कलाकार का नसीब होता है और कलाकार का हौसला होता है। अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको वो बुल्ले शाह का कलाम है, सब सूफी संतों ने मालिक को रिझाने का एक मकसद बनाया है। किसी ने नाच के मनाया, किसी ने रो के मनाया, किसी ने हंस के मनाया, किसी ने किसी सूरत में मनाया, किसी ने अपनी इबादत में मनाया। तो सब सूफी संतों ने जो अपने गुरुओं को, अपने मालिक को हर रंग में पाया, हर रंग में ढूंढा और जहां मिला वहां से लिया। तो बाबा भोले शाह का ये कलाम है, जब वो अपने गुरु से शाह इनायत से कुछ दिनों के लिए बिछड़ जाते हैं और उनको गुरु अपना नहीं मिलता है, तो वो एक कलाम लिखते हैं अपने गुरु की याद में और गली गली कूचे कूचे शहर सिटियों में हर जगह वो उनकी वो इबादत बन गई कि तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, मतलब तेरे इश्क के इश्क ने मुझे हर हर जगह नचा दिया, अब तू मिल आए मालिक तू मिल। माया भी कहते हैं, इसे यार भी कहते हैं, इसे ढोलना भी कहते हैं, इसे सोनिया भी कहते हैं। तो हर हर जिसे जैसे दिल चाहा, जैसे दिल को अच्छा लगा उस नाम से अपने मालिक को पुकारा, तो ज्यादातर माया, ढोलना, मेरा यार, सोना सवाल, तो ये मालिक के नाम है। नचण कनू मैनू हटक न मुला, नचण दा शौक मिटावण दे, ते मैनू नचण दा शौक मिटावण दे, कंजरी कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घट दी, ते मैनू नच के यार मनावण दे, लोक ता इश्क नू
ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਵਣ ਦੇ ਨੱਚਣ ਕਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਟਕ ਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿਟਾਵਣ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੋ ਤੋੜ ਦੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨੱਚਣ ਕਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਟਕ ਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿਟਾਵਣ ਦੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਵਣ ਦੇ ਵੇ ਪੀਰ ਬੁਲਿਆ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਗੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ
मेहरबानी आदाब। आपके सामने कबीर जी का भजन पेश कर रहा हूं। तो मेरा जी चाहता है मैं सभी दोस्तों को एक एक प्रस्तुति इस समय सभी सूफी संतों की सुना दूं और मालिक की सुनाने का बदली हो जाए। तो इस कदर अब मैं कुछ देर के लिए आपके साथ कबीर के साथ रहूंगा और कबीर सुनूंगा। कबीर ने कहा है कितना अच्छा शब्द है, हमन है इश्क मस्ताने हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। कबीर ने अपने भजन में कहा है निर्फल जाए सौर कोसा पाछी धरो बारे वे अगाऊ आए। अगर जो भक्ति की कमाई है वो 100 साल पीछे करने पे भी 100 साल आगे मिल जाएगी। कबीरा कुआं एक है और पनिहारी अनेक।
जगत हसे हमन है इश्क मस्ताना।
नमस्कार, ये कबीर का। हमन हैं इश्क मस्ताने, हमन को दुनिया से यारी क्या, रहें आज़ाद या जग में हमन को दुनिया से हमें होशियारी क्या। तो ये कबीर था। और अभी जो सुनाऊंगा कबीर ही सुनाऊंगा। जी चाहता है ख्वाजा गुलाम फरीद के आरफाना कलाम में हल्का सा मैं पेश करता हूँ। सराय की पीवर भाषा है सराय की। ये जो सराय की का जो टाइटल है, ये मैं रूबरू आज आपको बता दूं कि ये सराय की अपने इंडिया में कम गाई जाती है, रियासत की भाषा है। तो मैंने अपने परिजनों से, अपने ज्ञात के स्रोतों से और कुछ टैप रेडियो के माध्यम से मैंने इस सराय की भाषा को एक शौक से चुना और अपने वतन के लिए इसको मैं संभाल के रखा कि सराय की एक गाना कठिन है, समझना भी कठिन है, क्योंकि ये सराय की मुल्तान पाकिस्तान की बोली है। तो सराय की बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन अगर इसकी गहराई में बहुत दम है। इसमें जितने भी कलाम हैं ख्वाजा गुलाम फरीद के हैं, वो बाबा बुल्ले शाह के हैं, शाह हुसैन के हैं, जो भी सूफी संत, अचल राम ने बहुत कुछ लिखा है, तो इन सभी संतों के अगर सराइकी में समझ में आ जाए कलाम तो ये एक इबादत है। तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने ज़्यादातर अपनी रोही पे, जंगल पे विवरण करके और जंगल की शोभा की है कि मालिक की क्या कुदरत है, कि वो कैसे कैसे जड़ी बूटियाँ इस सुनसान में पैदा कर देता है, उनको पालता है, पोसता है, उनको कौन देखभाल करता है, उनकी कौन मतलब रक्षा करता है, खुद रक्षा करता है, खुद पालता है। तो वो एक उस हिसाब से उन्होंने जो अपनी पूरी शेर व शायरी है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने, वो अपने पूरी जंगल पे उन्होंने वर्णन किया है और हर जड़ी बूटी में अपने मालिक को पाया है। जो भी सुंदर दरख्त देखा उसकी तरफ निगाहें मिला के इबादत की तो मालिक की प्राप्ति हुई। तो ख्वाजा गुलाम फरीद का एक आरफाना कलाम है, मैं चाहता हूँ सुनाता चलूँ आपको भी, और इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको। Thank you.
शुरुआती सिखावट है जहाँ से मैं शुरू हुआ था, इस भाषा से, इस कलामों से मेरी शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर धीरे 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 जैसे वक्त के साथ साथ, कुछ गुरुजनों के साथ साथ जैसे कुछ मिलता रहा वैसे पाता रहा, और शुरू से ही अपने नसीबों में अपने मेरे पिताजी का कोई साथ मुझे मिला नहीं। मेरे पिताजी गाते थे, उनको देख देख के मैं गाता था, तो कुछ सालों के बाद भी नहीं, कुछ महीनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद वैसे ही संगीत के साथ लगाव था, तो किसी उस्ताद को सुना, किसी रेडियो से सुना, किसी टेप से सुना, किसी को रूबरू जाके सुना, अपने देहात के स्रोतों में, ब्याहों शादियों में बड़े बड़े गाने वालों को सुना, कहीं खुद गाया, तो इस कदर अपनी कला को आज तक और इस टाइम तक सलामत है। आप सभी दोस्तों की बदौलत है, आप सभी सज्जनों की मेहरबानी है, आप सभी गुरुजनों की मेहरबानी है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं गाने वाला नहीं हूँ। मैं सबसे ज़्यादा banglanatak.com का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ग्रामीण कलाकारों को इस कदर मौका दिया कि वो तमाम दुनिया में लाइव अपना मनोरंजन बता रहे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ऐसे ही काम चलता रहे। हम भी अपने देश व देश को, अपने देश में सुख संदेश पहुँचाते रहें, सूफी संतों की विनती करते रहें, उनके आगे आशीर्वाद करते रहें, उनसे कुछ मांगते रहें कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में ऐश अमन बख्शते, और इस महामारी काल को, इस कोरोना जैसे वायरस को दुनिया से तबाह नष्ट कर दें। मालिक बहुत बड़ा है, सबकी सुनता है, सच्चे दिल से याद करें, सबकी सुनता है। जैसे कि खुद मैं जानता हूँ कि गाना बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है गाना, इसका नाम गाना है। लेकिन जिस कदर अल्लाह मालिक ने और आप जैसे दोस्तों की बदौलत में आज तक मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी से सीखा नहीं, ना सीखने का मौका मिला, ना इतना कुछ मेरे पास सीखने के जाने के लिए टाइम था। बड़े परिवारों के चक्कर में चलते कहीं पे टाइम नहीं मिला। ये सब लोग, आप सज्जनों की दुआ है, और अच्छे सज्जन मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, मदद किया, जुड़े हमसे, रूबरू जुड़े हमसे, फ़ोन पे जुड़े, जैसे भी जुड़े, तो सबसे सबकी मंडली बनी, तो आज हमारा टाइम पास भी हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है, दिल की इच्छा भी पूरी हो रही है, और हम चाहते हैं कि हम पूरे अपने देश को भी इच्छा से राजी करें, अपने कलामों से रिझाएँ, अपनी संस्कृति को याद रखें, और अपने देश को खिलाते रहें, आने वाली नस्लों में भी इसको खिलाएं। तो मैं इसी पे कबीर का भजन सुनाता हूँ। कबीर ने कहा है, बहुत अच्छा भजन है, एक एक शब्द इनका सुनने लगे काबिल तारीफ है, और कबीर का तो क्या बात करना, उनकी तो एक लव
कबीर ने कहे मन काहे को बन बन जाइए, काहे को बन बन जाइए रे मन काहे को बन बन जाइए। वो अपने खुद मन को समझा रहा है काहे को बन में इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ अपने अंदर ही है, क्यों बन में काहे क्यों, जो मालिक को जाना है अपने दिल में भी जाए। कबीर जी की लड़की उसको जवाब देती है, चाकी चाकी सब कहे तो मानी कहे ना को, कबीर चाकी चाकी सब कहे मानी कहे ना को, जो किला मन काहे को बन बन जाइए।
मेहरबानी कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के साथ दिया और इस लाइव को देखा, पसंद किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आगे भी ऐसे हम प्रयास करेंगे। आप देखिए, सुनिए और हमसे रूबरू होइए। हम आपके लिए ही हैं, अपने वतन के लिए हैं, अपने वतन के सजनों के लिए हैं। जो कुछ भी हमारे पास जखीरा है, हम अपने देश के लिए गाते हैं, बजाते हैं और अपने देश को खुश रखने के लिए इस संस्कृति को, इस कला को अपनी पहचान बनाए हुए इसको संभाल के रखें अपने देश के लिए और अपने। अभी जो शायद लाइफ का टाइम, समय का कंट्रोल जो चल रहा है, मैं सबसे ज़्यादा ही शुक्रगुजार banglanatak.com म्यूजिक ग्रुप का हूँ कि उन्होंने इस कदर ग्रामीण कलाकारों पर ध्यान दिया और बहुत अच्छा ये काम जो है शुरू किया, ताकि कलाकार ऐसे हमें आज से ऐसे लग रहा है कि हम कहीं प्रोग्राम में हैं। हमें लाखों लोग देख रहे हैं, हमें हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो कलाकार की शोभा भी एक जनता होती है, उसको मोहब्बत चाहिए, उनको सबका प्रेम चाहिए, वो सबका आशीर्वाद चाहता है और सबको मालिक से आशीर्वाद दिलाता है। तो हमारा यही काम है और इस समय के चक्कर में, इस महामारी के चक्कर में लॉकडाउन की पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए पूरे ग्रुप के साथ नहीं हूँ। जैसा भी मैं, छोटा ये भतीजा है, भाई का लड़का है, इसको खाली टाइम होता है तो बेचारे को कभी कभी हल्का फुल्का टर्निंग कराता हूँ। तो आज इसी को साथ में लेके बैठा हूँ, आपके रूबरू हूँ। जैसा भी हमने टूटा फूटा आपके सामने पेश किया, आप जैसा भी लगे अच्छा है। अगर चाहे तो आप कुछ कमेंट में लिख कर बता सकते हो, अगर आपकी कोई रूबरू कोई इच्छा हो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। मैं आपके लिए तैयार हूँ। किसी सज्जन मित्र की अगर कोई रूबरू फरमाइश हो तो मैं सुना दूँ। सुना देता हूँ भजन, और उन्होंने अभी के जो दौर में हमारे सज्जन मित्र लोग जो आर्थिक लोगों को, आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। मालिक को अगर सबसे बड़ा पसंद है तो वो इंसान को इंसान को दिया करना, इंसान को इंसान की मदद करना वक्त के साथ साथ, और उसी पे मालिक सबसे ज़्यादा लगता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी मजबूरन को मजबूरी से निकालना, इस चीज़ों में मालिक की, ये सबसे बड़ी बाबत है मालिक की। तो इसमें मीराबाई ने क्या भजन लिखा है, धर्म पे लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ऊंचा नीचा हो
मन से तो लिए तो हर गिज मन दो ना हो। गरु मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाय, गरु मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाय, साचे गुर का बाल का मरा ना मारा जाय। कबीर जी कहते हैं चिड़ी चांच भर ले गई, चिड़ी चांच भर ले गई और नदी ना घटियो नीर, दान किया धन ना घटे तो कह गे दास कभी, वो धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। Thank you.
शुक्रिया, आदाब, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और थोड़ा थोड़ा आइटम सभी सूफी संतों का आपके सामने पेश किया है। चाहता हूँ दिल से, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और आगे भी हम ऐसे ही आपसे रूबरू होते रहेंगे, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो तमन्ना है, वो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए, किसी माध्यम से बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों को रिझाने वाला कोई कलाम या गाना, तो जैसा भी हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। म्यूजिक चैनल को, म्यूजिक लाइफ को लाइक करेगा, तो कमेंट देगा देना, तो सबके लिए, हमारे लिए भी सौभाग्य। और ये जो मंगला नाटक .com की तरफ से ये सज्जन जो ये मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत का भी फल मिलता है, और इन सज्जनों ने कैसा अच्छा काम किया, कितना बड़ा काम किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मालिक के परवरदिगार इनको हर अजाब मुसीबत से दूर रखे, हर मुश्किल से बचाए, हम सबको, हमारे पूरे मुल्क को ऐश अमन से रहने की तौफीक दे, और पूरे मुल्क से इस महामारी कोरोना को नष्ट फष्ट करे, और हमारे मुल्क में ऐश अमन से रहने की इजाज़त मिले, और हम सब आज की शाम मालिक के परवरदिगार, मालिक के गुरु के नाम, और हम आज बस आज इतना ही, आगे मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपका मीर बसु, सूफी सिंगर, राजस्थान, पुगल बीकानेर। आदाब आदाब आदाब।